मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नरवा गरवा घुरवा और बारी स्कीम को पर्यावरण को बचाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के माध्यम से राज्य को जैविक खेती वाले राज्य की ओर बढ़ाने का काम होगा। उन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा पंजाब में दवाई और खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज हैं। आज हम सब्जी अनाज में कितना जहर ग्रहण कर रहे हैं हमें मालूम नहीं। यदि हम जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं तो रासायनिक खाद से मुक्ति मिल जाएगी। धमतरी जिले में सबसे ज्यादा रासायनिक खाद और दवाइयों के इस्तेमाल होने पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। रासायनिक खाद या दवाई का उपयोग पंजाब करता है, हमारी छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला होता है, लेकिन स्थिति क्या है? पंजाब में सर्वाधिक कैंसर से पीड़ित लोग मिले हैं। आज बीमारियां बहुत हो रही है, हमको पता नहीं है कि किस दवाई से क्या हो रहा है, उसका असर हम मानव शरीर पर क्या पड़ता है। इतना अधिक दवाई और खाद उपयोग के कारण से अनाज फल सब्जी में कितना जहर का अंश हम लोग रोज ग्रहण कर रहे हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं है।